हेलो वैमली, तो आप लोग को पता ही होगा कि आई मीन लाइक थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि यार इतने सारे कमेंट्स आए थे मुझे और काफ़ी ज़्यादा DM भी पड़े हैं मेरे पास, जिसमें आप लोग बोलते हो कि मुझे शेडर पैक चाहिए। तो भाई मैं सबको एक एक करके नहीं भेज सकता, सो आई फेल कि मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ और उसमें आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस वो भी बता देता हूँ, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, देरी नहीं करते हैं। एंड आई नो आज आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे मेरे शेडर पैक, क्योंकि आप को चाहिए था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, पहले मैं आपको बताता हूँ क्राफ्टिंग टेबल वगैरह, थोड़ा मैं शेडर पर बता देता हूँ कि कैसी चीज़ें दिखती है। तो ये देखो भाई, डर्ट एकदम 3D दिख रही है, एंड यू नो कि शेडो भी आ रही है, देख सकते हो आप। तो ये कुछ इस तरीके से, एंड मैं आपको क्राफ्टिंग टेबल भी रख के बता देता हूँ, तो वो भी थोड़ा, क्योंकि ओकवुड पहले तो मैं प्लैंक बताता हूँ, देन उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल। तो ये देखो मतलब लाइक वुडन इस तरीके से दिखती है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से एकदम 3D इफेक्ट है, और टेक्सचर भी देख सकते हो। एंड क्राफ्टिंग टेबल आप देख सकते हो अलग ही, इसमें एक थोड़ी सी लाइट है एंड कुछ अलग ही है, देख सकते हो। मेरे को क्राफ्टिंग टेबल का शेडर मतलब जो शेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये देखो बुक कितनी 3D है। एंड ये देख सकते हो इधर से भी आप, एंड नीचे ऑब्सिडियन लगा हुआ है तो वो भी कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। एंड ये रहा हमारा फर्नेंस, बेस फर्नेंस। ओके, तो ये देख सकते हो कितना स्टील एकदम रियलिस्टिक लग रहा है पूरा, आप देख सकते हो एकदम, ठीक है। एंड एक मैं नॉर्मल फर्नेंस भी बता देता हूँ आपको, तो ये वाला फर्नेंस भी देख लो, नॉर्मल वाला। तो ये भी मतलब लाइक उतना ही रियलिस्टिक लग रहा है, देख सकते हो पूरा स्टोन एकदम रियल लग रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। और मैं जितना बता पाऊँगा मैं उतनी तो कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर जो रह जाए वो आप लोग डाउनलोड करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो पिगी एकदम रियलिस्टिक और अलग ही दिख रहा है। अभी आप जाइए प्लीज़, हमें दूसरा स्पॉन करता हूँ मैं फॉक्स। तो ये देखो फोक्स, वो रुकने वाली तो है नहीं, बट आप देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक फोक लग रही है, जैसी रियल लाइफ में होती है। तो देख सकते हो कितनी रियल है और टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड पांडा भी भाई मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये देखो पांडा भी कितना एकदम टेक्सचर एकदम रियलिस्टिक, ठीक है। तो और बाकी चीज़ें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको यार, मेरे को एकदम लाइक जब बोलना होता है ना तब याद नहीं आता। सो स्वर्ड एक्चुअली है ना, तो ये वुडन की स्वर्ड एंड ये आयरन की स्वर्ड एकदम रियलिस्टिक देख सकते हो आप, एकदम फुल रियलिस्टिक फील है। एंड एक मैं डायमंड की भी बता देता हूँ आपको, वैसे तो ये भी काफ़ी कूल है, डायमंड की भी देख सकते हो, डायमंड की भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, मतलब कलर एकदम एकदम ब्राइट है, एकदम लुक इतना निकल के आता है ना चीज़ एकदम अलग ही। एंड देख सकते हो गोल्डन की स्वर्ड भी कितनी रियलिस्टिक लग रही है, ये देख सकते हो इधर से लेफ्ट राइट दोनों तरफ से। एंड ओके, ये भी देख सकते हो आप नेदरवुड की, और भैया देख सकते हो पीछे फॉक्स हो रही है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये इतना ही है, अब मैं आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस बता देता हूँ। सो वैमली, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है जेड अचीवर, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, मतलब आप माइनक्राफ्ट में कोई सा भी रिसोर्सेज पैक नहीं लगा सकते। सो वैमली, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ESBE शेडर की भी और जेड अचीवर की भी, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप ESBE शेडर को डाउनलोड करने के बाद आप टैप करोगे, वैसे ही वो उसका इंटरफेस खुलेगा कुछ इस तरीके से, और ये डायरेक्ट खुलेगा जेड अचीवर में। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहा है, एक्चुअली मैंने डाउनलोड करके रखा है इसलिए एक्सट्रैक्ट हियर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो आपको डायरेक्ट जाना है, मतलब लाइक एक्सट्रैक्ट हियर करना है, एंड देन उसके बाद आपको जाना है गेम के फोल्डर में, एंड देन गेम के फोल्डर में से आपको जाना है कॉम मोजांग में, एंड देन कॉम मोजांग में जाने के बाद रिसोर्सेज पैक में। एंड देन जैसे ही आप यहां पर लगाएंगे, ये ऑलरेडी लगा हुआ है मेरे में पहले, जैसे ही आप यहां पर एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो वैसे ही आपके गेम में लग जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये देख सकते हो आप, ये मेरे वर्ल्ड्स हैं, तो इसमें से मैं ये सर्वाइवल YT जो एक्चुअली मैं यूज करता हूं ज्यादा, तो यहां पर मैं देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिसोर्सेज पैक आ जाएगा। तो यहाँ पर माय पिक्स में जाकर देख सकते हैं ESBE शेडर एक्टिवेट कर लीजिएगा आप, और आपको अपने जिस भी वर्ल्ड में लगाना है आप लगा सकते हैं ईजिली। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, दैट्स इट, ठीक है। बट लाइक प्लीज़ कर देना, पसंद आई हो या ना आई हो, क्योंकि आप लोग ने एक DM किए थे गाइज, और आप लोग ने इतने सारे कमेंट्स किए थे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो आई होप यू अंडरस्टूड, बेटर अंडरस्टूड ऑफकोर्स, ये बात है। सो यार ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड बाय बाय, और लास्ट इज लॉल।
यू नो एज यू नो लाइक दिस. ओके बाय बाय अगेन.